हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कापेक्स। एंड कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की कार की जिसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस कार की तरफ जाया जाए। हम बात कर रहे हैं टाटा पंच एंड ह्यूंडई एक्स्ट्रा के बारे में। तो गाइस, आज की वीडियो में बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कार आपके लिए एक परफेक्ट कार हो सकती है। हमने आज की वीडियो में ना कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे हम जज करेंगे कि किस कार में क्या क्वालिटीज आपको मिलने वाली है। तो आज हम जज करने वाले हैं कार की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, कार की सेफ्टी के बेसिस पे, कार कितनी स्टेबल है उस बेसिस पे, कार की आफ्टर सेल सर्विसेज के बेसिस पे एंड कार की सर्विस कॉस्ट के बेसिस पे। एंड कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट आज की वीडियो में हम उन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। एंड अगर आपकी रिक्वायरमेंट इन दोनों में से किसी भी कार के साथ मैच होती है तो आप इस कार की तरफ जा सकते हो। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो गाइस, सबसे पहले बात करें दोनों कारों में मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो टाटा पंच आपको 1.2 लीटर रेवर्ट्रॉन इंजन के साथ आती है जो कि आपको 86 bhp की पावर और 115 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। वहीं बात करूं ह्यूंडई एक्स्ट्रा की, तो ह्यूंडई एक्स्ट्रा आपको सेम 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ आती है। ये कार आपको 81 bhp की पावर और 113 nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है। देखा जाए ऑन पेपर पंच कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉइंट्स के साथ आगे जा रही है, बट जब बात करते हैं रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ में अगर आप सिटी पे ड्राइव कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा का इंजन थोड़ा ज्यादा पैपी नजर आएगा कंपेयर टू पंच, बिकॉज पंच का जो कर्व वेट है ना वो थोड़ा ज्यादा है, उसके वजह से उसका इंजन में आपको उतनी पैपीनेस दिखाई नहीं देती है। वहीं एक्स्ट्रा का जो कर्व वेट है वो पंच के अकॉर्डिंग काफी कम है, तो उसका इंजन आपको थोड़ा ज्यादा पैपी नजर आता है, ज्यादा पिकअप आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा कंपेयर टू पंच। तो कहीं ना कहीं सिटी में एक्स्ट्रा आपको ज्यादा अच्छी दिखाई देगी ड्राइव के मामले में कंपेयर टू पंच। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सेफ्टी। सेफ्टी की यहाँ पे बात आती है, वहां पे टाटा पंच के बारे में बात करना बनता है, बिकॉज ये आज से पहले काफी टाइम तक वन ऑफ द सेफेस्ट कारों में से एक थी। ये कार आपको एक 5-star रेटिंग के साथ आती है। बिल्ड क्वालिटी वाइज कार का कंपैरिजन नहीं है इस सेगमेंट में, काफी स्ट्रांग बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिलती है। वहीं बात करें एक्स्ट्रा की, तो एक्स्ट्रा में आपको बिल्ड क्वालिटी वाइज पंच जितनी बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलने वाली। एक्स्ट्रा ऑलरेडी आपके i10 और ऑरा के प्लेटफॉर्म पे ही बनी है, एंड i10 और ऑरा की एनकैप रेटिंग हमें पता है, ऑल्दो अभी एक्स्ट्रा की कोई एनकैप रेटिंग नहीं आई है, बट कहीं ना कहीं जो सेफ्टी का मामला है और जो स्पेसिफिकली जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में पंच एक्स्ट्रा से काफ़ी आगे है। एंड बात करें फीचर्स की, तो सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा में भी काफ़ी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सेफ्टी फीचर्स देखा जाए तो आपको 6 एयरबैग आपको एक्स्ट्रा में भी बेस मॉडल से देने लग गई हैं, उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो फीचर्स रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जो बिल्ड क्वालिटी के मामले में जो सेफ्टी का जो पॉइंट जाता है वो टाटा पंच को जाता है। टाटा पंच सेफ्टी के मामले में इस सेगमेंट की सभी कारों में से सबसे बेटर है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड यहाँ पे हम बात करते हैं कार की स्टेबिलिटी की। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, तो अगर आप हाईवे ड्राइव ज़्यादा करते हो उस केस में टाटा पंच आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल कार लगेगी, बिकॉज ये कार अपने कर्व वेट की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है हाई स्पीड पे। तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो ये कार पंच आपको हाईवेज में ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें एक्स्ट्रा की, तो एक्स्ट्रा सिटी ड्राइव के लिए एक बहुत अच्छी कार है, बट वहीं जब बात करें इसकी हाईवे ड्राइविंग की, तो हाईवे ड्राइविंग में इसके कंपेयर करूं मैं अगर इसको पंच के साथ, तो उतनी स्टेबल ये फील नहीं होती है हाई स्पीड पे। तो स्टेबिलिटी वाइज देखा जाए तो टाटा पंच एक ज़्यादा स्टेबल कार है हाईवे ड्राइव के लिए। तो गाइस, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो नेक्स्ट पॉइंट है ये इंडियन कंज्यूमर के लिए ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बिकॉज कई लोग तो इसी के बेसिस पे जज करते हैं कि उन्हें ये कार लेनी है या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कार की माइलेज की। तो कार की माइलेज को ना मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स में रखना चाहूंगा, एक बात करते हैं हम सिटी माइलेज की और एक बात करते हैं हम हाईवे माइलेज की। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि ये कारें सिटी में कितना माइलेज निकाल के देती है। टाटा पंच की अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, तो टाटा पंच जो सिटी माइलेज है टाटा पंच की, ये जो कंपनी क्लेम कर रही है मैं उस माइलेज पे नहीं जाता, मैं आपको रियल लाइफ माइलेज बताता हूं टाटा पंच जो निकाल के देती है सिटी में। अगर आपकी सिटी में जो ट्रैफिक कंडीशन है वो काफ़ी हाई है, बम्बर टू बम्बर ट्रैफिक में आप चलते हो, तो ये कार आपको 10-11 के बीच तक ही माइलेज निकाल के देगी। वहीं बात की जाए ह्यूंडई एक्स्ट्रा की, तो ह्यूंडई एक्स्ट्रा में आपको जो माइलेज है वो कहीं ना कहीं 14-15 के आसपास मिल सकती है सिटी कंडीशंस में भी। तो 3-4 kmpl की माइलेज का आपको फर्क देखने को मिलेगा इन दोनों कारों के बीच में जब बात कर रहे हैं हम सिटी की।
तो गाइस बात करें टाटा पंच की हाईवे माइलेज की, तो हाईवे के लिए ये कार बहुत अच्छी कार है एंड हाईवे में ये सरप्राइजिंगली काफी अच्छी माइलेज भी निकाल के देती है। कंपेयर टू सिटी हाईवे में ये कार आपको बहुत अच्छा माइलेज निकाल के देती है। ये कार आपको हाईवे में 20 प्लस माइलेज आराम से निकाल के देती है अगर आप इसको एक सर्टेन स्पीड में तक चलाते हो। वैसे तो यार ये बोलने की बात है, आपकी ड्राइविंग हैबिट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपकी माइलेज कितनी आ रही है। अगर आप ज़्यादा ओवर स्पीडिंग नहीं करते, आप ज़्यादा एक्सेलरेट नहीं करते, तो आप किसी भी कार से एक अच्छी माइलेज निकाल सकते हो। वही बात करें एक्स्टर की माइलेज की, तो एक्स्टर भी हाईवेज में काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल के देती है। एक्स्टर में भी आपको ईजिली 20 प्लस की माइलेज आराम से निकल के आ जाती है। बात करें दोनों कारों की ओवरऑल माइलेज का, तो उसमें भी आपको 3-4 के एमपीएल का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। एक्स्ट्रा थोड़ा ज्यादा माइलेज निकाल के देती है कंपेयर टू टाटा पंच। तो गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, एंड हम बात कर रहे हैं दोनों कारों के आफ्टर सेल सर्विसेज की। तो जहां बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, वहां ह्यूंडई काफी ज्यादा आगे निकल जाता है टाटा के साथ। ऑनेस्टली बताऊं, आज के टाइम पे टाटा की आफ्टर सेल सर्विसेज इंप्रूव हो रही है, बट फिर भी वो उस लेवल तक नहीं है जिस लेवल की आपको सर्विसेज ह्यूंडई में देखने को मिलती है। ह्यूंडई पहले से एक वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी टाइम से वो इंडियन मार्केट में है, एंड जो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो टाटा के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। तो अगर आप एक ऐसी कार देख रहे हो जिसमें आपको आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिले, तो वो आपको ह्यूंडई एक्स्ट्रा में ही मिलने वाली है। टाटा की सर्विसेज में, आफ्टर सेल सर्विसेज में अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। टाटा इस सेगमेंट में लैग कर रहा है एंड टाटा काम भी कर रहा है इस सेगमेंट की तरफ, पर फिर भी जो आफ्टर सेल सर्विसेज है वो आपको एक्स्ट्रा में ही बेटर मिलने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड बात करते हैं सर्विस कॉस्ट की। सर्विस कॉस्ट एक ऐसा पॉइंट है ना जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट मेरे अकॉर्डिंग इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जिस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं ना, ये एक इस सेगमेंट को एक मिडिल क्लास फैमिली ओन करती है, एंड कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्ट बहुत मैटर करता है। हर साल आपको कहीं ना कहीं कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं अपनी इस कार की सर्विसेज के लिए, ये बहुत मैटर करती है चीज़ें। तो अगर बात करूँ सर्विस कॉस्ट की, तो कंपेयर टू टाटा आपको ह्यूंडई में थोड़ी ज़्यादा सर्विस कॉस्ट पड़ती है, एंड वही पॉइंट है जिसको शायद हमें ध्यान में रखना चाहिए हम कोई सी भी कार ले। बिकॉज कार आपने एक टाइम वन टाइम परचेस करी है, उसकी सर्विसेज आपको हर ईयर करानी है, तो एक सर्विस कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाए एंड कंपेयर किया जाए दोनों कारों के सर्विस कॉस्ट को, तो ह्यूंडई एक्स्ट्रा में आपको शायद थोड़ा ज़्यादा सर्विस कॉस्ट देना पड़ता है कंपेयर टू टाटा। तो सर्विस कॉस्ट के मामले में ह्यूंडई थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। सो गाइस अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड एज अ बायर आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं कार की रिलायबिलिटी की। जहाँ पे बात रिलायबिलिटी की आती है, वहाँ पे ह्यूंडई एक्स्ट्रा को एक एज मिलता है, एंड वो बिकॉज उसका जो इंजन है वो ज़्यादा रिलायबल है कंपेयर टू टाटा पंच। तो जहाँ पे बात रिलायबिलिटी की आ जाती है ना, तो वहाँ पे ह्यूंडई एक्स्ट्रा थोड़ा और आगे निकल जाती है टाटा पंच के। तो अगर आप एक ऐसी कार चाहते हो जिसको आप 15 साल बिल्कुल टेंशन फ्री चलाना चाहते हो, तो उस केस में जो रिलायबिलिटी वाला जो सेक्शन है ना, वो ह्यूंडई एक्स्ट्रा आपको फुलफिल करके देता है। तो रिलायबिलिटी वाली जो चीज़ है उसमें आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगी। तो गाइज बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने दोनों कारों में कंपेयर करने की कोशिश करी है, एंड अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट हम मिस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लिए हैं जो चीज़ें मेजर मुझे लगती थी, एंड आई होप ये वीडियो कुछ लोगों की हेल्प ज़रूर कर पाई होगी। अगर लोगों को डाउट हो रहा था इन दोनों कारों के बीच में, तो आई होप इस वीडियो से उनका थोड़ा तो डाउट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपका थोड़ा सा भी डाउट क्लियर हुआ है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।